मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लास के इस वीडियो में बच्चों आज हम आपको पोइम सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे बच्चों? पोइम। क्यों सुनाएंगे? बिकॉज आपको हम डेली क्या दे रहे हैं? होमवर्क दे रहे हैं ना। आप होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो, आप पेंसिल से वर्क कर रहे हो। सारे बच्चे जो होमवर्क हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, पेंसिल से वर्क करते हैं, टीचर्स की ओबे करते हैं और वापस रिवीजन भी करते हैं। तो बच्चों आज हम आपको जो है ना एक पोइम सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? पोइम। बहुत अच्छी है और इसको आपको लर्न करना है। ओके, पोइम है बच्चों खरगोश। ये क्या है बच्चों? खरगोश। ये क्या है? रेबिट। व्हाट इज दिस? दिस इज रेबिट। गुड मॉर्निंग रेबिट से टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग रेबिट। देन रेबिट सिंग वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, वी शुड बी काइंड फॉर एनिमल्स। हमें जानवरों के प्रति दयाभाव रखना चाहिए। वी शुड बी काइंड फॉर एनिमल्स। नाउ वी स्टार्ट दिस पोइम। अब हम इस पोइम को शुरू करते हैं। ओके, रेबिट इज अ स्मॉल एनिमल। रेबिट इज अ स्मॉल एनिमल। रेबिट इज ए स्मॉल एनिमल। विच टाइप एनिमल रेबिट? रेबिट इज अ स्मॉल एनिमल। ओके, विच टाइप एनिमल? स्मॉल। रेबिट इज स्मॉल एनिमल। खरगोश छोटा पशु है। खरगोश कैसा है? छोटा। कैसा है? छोटा। रेबिट इज ए स्मॉल एनिमल। बच्चों बोलो, रेबिट इज अ स्मॉल एनिमल। खरगोश छोटा पशु है। It runs fast, but खरगोश बहुत तेज भागता है। खरगोश कैसे भागता है? Very fast, बहुत तेज। It runs fast, खरगोश बहुत तेज भागता है। It has small ears, इसके छोटे छोटे कान हैं। ईयर्स कैसे होते हैं खरगोश के? स्मॉल। स्मॉल ईयर्स होते हैं, छोटे छोटे। इट हैज स्मॉल ईयर्स, खरगोश के कान बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। इट हैज शॉर्ट फ्लफी टेल्स, और खरगोश की जो पूंछ होती है ना बच्चों, उस पे बहुत सारे बाल होते हैं। बालों वाली पूंछ होती हैं, फ्लफी टेल्स। खरगोश की पूंछ पे बहुत सारे बाल होते हैं। बालों वाली क्या होती है बच्चों? पूंछ होती हैं, फ्लफी टेल्स। रेबिट लव्स टू ईट जूसी कैरेट्स। खरगोश जो हैं गाजर खाता है। वो भी कैसी? जूसी, रसदार। रसदार गाजर खरगोश को बहुत पसंद है। रेबिट्स को क्या पसंद है? जूसी कैरेट्स। रेबिट्स लव्स टू ईट जूसी कैरेट्स। रेबिट लव्स टू ईट जूसी कैरेट्स। एंड ग्रीन लीव्स, और हरी पत्तियाँ। हरी पत्तियाँ खरगोश को बहुत अच्छी लगती हैं। एंड ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरी पत्ती होती ना, हरी हरी पत्तियाँ, वो खरगोश को बहुत अच्छी लगती हैं। व्हेन इट हर्ट्स ए लाउड नॉइज, जब खरगोश जो हैं जोर की आवाज़ सुनता है। इट हाइड्स इन ए डिप बोरो, तो वो गहरे बिल में छुप जाता है। कहाँ छुप जाता है? डिप बोरो, गहरे
बिल के अंदर, और अधिकतर खरगोश जो हैं झाड़ियों में छुप जाते हैं। इट इज अ प्लेफुल एनिमल, यह जो है चंचल पशु होता है। खरगोश कैसा होता है? चंचल। इसके साथ में हम रहते भी हैं परिवार, बहुत से घरों में भी जो रैबिट्स को पेट किया जाता है, रखा जाता है। तो ये प्लेफुल एनिमल्स है। कैसा एनिमल है बच्चों? प्लेफुल। वापस पढ़ो बच्चों, रैबिट इज अ स्मॉल एनिमल। बोलो, रैबिट इज अ स्मॉल एनिमल। इट रन्स फास्ट, इट रन्स फास्ट। इट हैज स्मॉल ईयर्स, इट हैज स्मॉल ईयर्स। इट हैज ए शॉर्ट फ्लफी टेल्स, इट हैज ए शॉर्ट फ्लफी टेल्स। रैबिट लव्स टू ईट जूसी कैरेट, रैबिट्स लव टू ईट जूसी कैरेट्स एंड ग्रीन लीव्स, एंड ग्रीन लीव्स। व्हेन इट हर्ट्स ए लाउड नॉइज, व्हेन इट हर्ट्स ए लाउड नॉइज, इट हाइड्स इन ए डीप बोरो, इट हाइड्स इन ए डीप बोरो। इट इज अ प्लेफुल एनिमल, इट इज अ प्लेफुल एनिमल। विच टाइप रैबिट एनिमल? प्लेफुल एनिमल, चंचल। खरगोश कैसा है? चंचल। अच्छा, स्मॉल मीन्स छोटा, और स्मॉल का अपोजिट क्या होगा? बिग। बिग मीन्स बड़ा। बिग एनिमल एलिफेंट। इट रन फास्ट, फास्ट मीन्स तेज, और स्लो मीन्स धीरे, स्लो मीन्स धीरे। इट हैज स्मॉल ईयर्स, खरगोश के कान कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। इट हैज ए शॉर्ट फ्लफी टेल्स, खरगोश की पूंछ कैसी होती हैं? बालों वाली, बहुत बाल होते हैं। रैबिट लव्स टू ईट जूसी कैरेट्स, खरगोश को क्या पसंद है? जूसी कैरेट्स, रसदार गाजर। एंड ग्रीन लीव्स आल्सो, और हरी पत्तियाँ भी खरगोश को पसंद हैं। ग्रीन मीन्स हरी, लीव्स मीन्स पत्तियाँ। व्हेन इट हर्ट्स ए लाउड नॉइज, जब खरगोश जोर जोर की आवाज़ सुनता है, इट हाइड्स इन ए डीप बोरो, वो गहरे बिल के अंदर छुप जाता है। इट इज अ प्लेफुल एनिमल, खरगोश जो हैं चंचल पशु हैं। ऐसा है प्लेफुल एनिमल। डियर स्टूडेंट्स, रैबिट इज ए स्मॉल एनिमल से लगा के प्लेफुल एनिमल्स तक आपको जो ओके और जब डिब्बोरों में वो छुप जाता है। इट इज अ प्लेफुल एनिमल, खरगोश कैसा एनिमल है? प्लेफुल, चंचल। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पूरी पोइम लिखनी है, रैबिट इज ए स्मॉल एनिमल। इसको आपको सुलेख वक्त में करना है, पूरा पेज। रैबिट इज अ स्मॉल एनिमल, इसका पूरा पेज आपको अपनी कॉपी में करना है। राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और आपको ये पिक जो रैबिट का दिखाई दे रहा है, इसको भी आपको करना है। ओके, पिक्चर बनाना है आपको खरगोश का। छोटे बच्चे जो हैं इजीली जैसा बने वैसे बनाओ, लेकिन इसको बनाएंगे सारे बच्चे, रैबिट का पिक बनाएंगे और ये पोइम लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। कल मैं आपको वापस इसी का रिवीजन करूँगा। ओके, तो आपको इसको ज़रूर लर्न करना है, और स्पेलिंग भी आपको लर्न करनी है, रैबिट की स्पेलिंग, जूसी की, कैरेट्स की, डीप बोरो की, प्लेफुल एनिमल की। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑल स्पेलिंग्स इन द नोटबुक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड डियर स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यूज मास्क इफ यू वांट टू आउट ऑफ हाउस, एंड वॉच द हेड नीट एंड क्लीन एवरी डे। ओके ओके, स्पेलिंग को लर्न जरूर करेंगे।
और पोइम को इंग्लिश में भी याद करना है और इसके आंसर भी आपको लर्न करने हैं स्पेलिंग के। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट टू राइट नीट एंड क्लीन एंड ऑल स्टूडेंट्स डूइंग वर्क विद पेंसिल। सारे विद्यार्थी जो है पेंसिल से वर्क करेंगे, नोबडी यूज पेन, कोई भी पेन का उपयोग नहीं करेगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो जी।